छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में बारूदी सुरंग में हुए विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक सहायक कमांडेंट शहीद हो गए हैं और 10 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सुकमा जिले के चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताड़मेटला गांव के पास जंगल में नक्सलियों ने सुरंग में बारूद बिछाकर विस्फोट कर दिया, जिसके बाद वायुसेना के MI-17B5 हेलीकॉप्टर से घायल जवानों को वहां से निकाला गया। इस घटना में घायल CRPF की 206वीं कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट नितिन पी भालेराव शहीद हो गए, वहीं 10 जवान घायल भी हुए। घायल हुए जवानों का रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि CRPF की 5 नई बटालियनों के शिविर लगाने के लिए यह दल इलाके का निरीक्षण कर रहा था और इसी दौरान IED विस्फोट हो गया। शहीद भालेराव महाराष्ट्र के नासिक जिले के निवासी थे। वे 2010 में CRPF में शामिल हुए थे और कोबरा बटालियन में 2019 में आए थे। शहीद असिस्टेंट कमांडेंट को रायपुर पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जाने चूक इनसे होती है जवानों से या कुछ रीजन जिसमें इस प्रकार की घटना कभी कभी घट जाता है। कुल इस घटना में कोबरा बटालियन के CRPF के थे 10 लोग हताहत हुए हैं, 2 सामान्य थे जिनको जगदलपुर भेजा गया, 8 को यहाँ लाया गया था। अलग अलग तीनों बालाजी, नारायणा और रामकृष्ण तीनों हॉस्पिटल में अलग अलग इलाज चल रहा है। खतरे से बाहर हैं सभी। एक जवान जो असिस्टेंट कमांडेंट था वो शहीद हुए, जिनको अभी आप सबकी उपस्थिति में हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्सैक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए coronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।